सब्सक्राइब करें आउसी के चैनल को, नीचे रेड बटन पे क्लिक करके साथ में बेल के आइकन पे क्लिक कर दें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पान सिंह और आप देख रहे हैं आउसी के चैनल। फ्रेंड्स, आउसी के चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ट्रेन का लाइव स्टेटस आप अपने व्हाट्सएप पर कैसे देख सकती हैं। फ्रेंड, इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्त, दूसरा वीडियो हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो नंबर मैंने बताया था उस वीडियो में, वो नंबर बंद कर दिया गया है, तो उस नंबर पर कोई स्टेटस नहीं आ रहा है। तो उस वीडियो जो हमारा चल रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये फेक वीडियो, ये गलत वीडियो, इस पर कुछ आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है और जो उसका वजह से वो नंबर बंद कर दिया गया है, तो उस नंबर पे कोई अभी स्टेटस नहीं आ रहा है। हो सकता है बाद में आने लगे या ना आए, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको दूसरा तरीका बताने वाले हैं। हमें आपको एक नया भी नंबर आपको बताएंगे, उस तरीके से आप नंबर को अपना ग्रुप बनाएं व्हाट्सअप का, तो आप आराम से ट्रेन का लाइव स्टेटस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वो वीडियो देखना है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है हमारा, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें आप, फिर आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, फिर आप आराम से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे मोबाइल में और किस प्रकार से करना है ये सारे स्टेप फॉलो। पहले एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपके समझ में ये सारी चीज़ें आ पाएंगी। तो चलिए मोबाइल में हम आपको एक चीज़ आपको समझाते हैं मोबाइल में कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, ताकि ट्रेन की आप लाइव इन्फॉर्मेशन आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल अपने मोबाइल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर सेव करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। हम आपको बताते हैं वो नंबर कौन सा है। फ्रेंड्स, नंबर चेंज हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताने वाले हैं। तो मैंने वो नंबर सेव किया हुआ है तो हम आपको कॉन्टैक्ट में दिखा देते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट में गया और यहाँ पर मैंने RAIL रेल के नाम से ये नंबर मैंने सेव किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये नंबर है 9043017516। जी हाँ, ये नंबर आपको सेव करना है। नंबर को एक बार दोबारा फिर से नोट कर लें, 9043017516। इस नंबर को आपको सेव करना है। फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले सेव करके रखा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे व्हाट्सएप में। तो हम सीधा उसको व्हाट्सएप ओपन करेंगे अपना। ये हमारा व्हाट्सएप ये है, तो व्हाट्सएप को मैंने ओपन किया। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नीचे ग्रीन आइकन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें। ये मैंने क्लिक कर दिया और नंबर सेव करने के बाद उसको थ्री डॉट्स हैं उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद रिफ्रेश उसको ज़रूर कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी 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 क्या होता है, आप नंबर को सेव कर दोगे तो व्हाट्सएप में शो नहीं होगा जब तक आप उसे रिफ्रेश नहीं करोगे। रिफ्रेश कर दिया तो हम जाएंगे सीधे न्यू ग्रुप में। तो न्यू ग्रुप मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर सर्च बार में हम लिखेंगे RAIL जो मैंने नंबर सेव किया था। तो चलिए, ये नंबर मैंने सेव कर दिया, क्लिक कर दिया, हमारा ये ग्रुप में ऐड हो गया। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीन एरो बनाया उस पर क्लिक कर देना है। तो ग्रीन एरो पर मैंने क्लिक कर दी। अब आपको अपने ग्रुप का नाम रखना है, तो यहाँ पर हम नाम रखते हैं TRAIN ट्रेन इन्फो। ओके, शॉर्टकट में मैंने नाम दे दिया ट्रेन इन्फो। फोटो की जगह पे आप किसी भी ट्रेन का फोटो ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें। तो चलिए, मैंने राइट पे क्लिक कर दिया। जैसे हम राइट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने ये आ चुका हमारा ट्रेन इन्फो। तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास पहले एक मैसेज आएगा, वेलकम। ये देखिए, वेलकम का मैसेज आ चुका है। अब हम यहाँ पर ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर TRAIN लिखेंगे, स्पेस देंगे और हम ट्रेन का नंबर डालें। जैसे मेरा एक पैसेंजर ट्रेन चलती है हमारी तरफ, तो उसका नंबर डालते हैं, वो 59825 59825, और लिख के हम उसको सेंड कर देंगे। चलिए, मैंने सेंड कर दिया। आप देखते रहें, मैंने कोई वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो मैंने ये सेंड कर दिया हुआ है। अब जस्ट ही हमारे पास एक इसका एक मैसेज आएगा, तो वो मैसेज क्या होगा वो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, मैसेज हमारे पास आ चुका है उसका। तो चलिए, ग्रीन आइकन लाइट वो हो चुके इसके राइट्स। तो ये ट्रेन नंबर लिखा रहा है 59825। तो ये देखिए, ये अभी ट्रेन बता रहा है, ये ग्वालियर पैसेंजर है, ग्वालियर भिंड पैसेंजर। तो ये 8 तारीख, ये लिखा हुआ 41 मिनट्स लेट, यानी कि 41 मिनट लेट चल रही हुई है। डिपार्टमेंट स्टेशन दिया हुआ है मालनपुर। ये टाइम दिया हुआ है 15:59:57 और नेक्स्ट दिया हुआ है मालनपुर का, ये वो भी
तो ये बस उसी के आसपास में ट्रेन है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पैसेंजर का हो गया। अब अपन को देख लेते हैं कोई सुपरफास्ट ट्रेन, तो चलिए पहले हम ट्रेन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गया सीधे क्रोम ब्राउज़र में, मैंने पहले ट्रेन को मैंने सर्च करके रखा हुआ है। तो ये दक्षिण लिंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12722 इसका नंबर है। तो चलिए हम जाएंगे वापस में व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना ये ग्रुप है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेन TRAIN 12722 कितना था, थोड़ा मैं एक बार दोबारा आइडिया कर लूँ, 12722 ओके। तो चलिए मैं 12722 लिखूँगा यहाँ पर, 12722 लिखूँगा, मैंने 12722 लिखा और इसको मैंने सेंड कर दिया। चलिए सेंड जैसे ही मैंने किया तो आप देखना उधर से तुरंत एक मैसेज आएगा, आप देख सकते हैं मैंने इसको चालू करके रखा हुआ है, तो ये हमारे पास मैसेज आ चुका है 12722। तो ये लिखा है निजामुद्दीन टू हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस जो भी है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ट्रेन वैसे आपको बता दूँ 8 तारीख में अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, ट्रेन का टाइम वो है अलग है, ये हज़रत निजामुद्दीन से स्टार्ट होगी। तो 7 तारीख में जो कल ट्रेन चली होगी वो 8 तारीख में आज गुजर रही होगी, तो उसका देख लेते हैं अपडेट। ये 12 मिनट लेट है और ये अभी जो आपको बताऊँ नागपुर दिया हुआ है उसका स्टेटस आ रहा है ये, तो ये स्टेशन का स्टेटस है। इस प्रकार से आप लाइव स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप में अपने व्हाट्सएप में इस प्रकार से अपने ट्रेन का लाइव स्टेटस देख सकते हैं। बहुत ही केवल आपको ट्रेन लिखना है और नंबर डालना है, बहुत क्षण भर में ही आपका डिटेल्स उसको मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है, इस प्रकार से आप अपने नंबर को सेव कर लें ताकि आप आसानी से व्हाट्सएप पर अपडेट ले पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई फिर भी अगर आपको कोई सवाल सुझाव है, अगर आप कुछ हमसे बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप अपना सवाल छोड़ दें। तो बस मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।